अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम खुशाब। और मैं हूँ आपके साथ मार्केटिंग अफ़ीसर अवाम एफएम 94 रेडियो चैनल खुशाब से ज़मीर हुसैन अंजुम। और जैसा कि आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं कि खुशाब की मारूफ हस्ती उमर खान गर्देजी अवामी नेशनल पार्टी ज़िला खुशाब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और दुनिया के बेशतर मुमालिक में जितने भी लोग रहते हैं उनको ईद के हवाले से वो कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो जी आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा उमर खान गर्देजी से। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई जान। वालेकुम सलाम पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सलाम। और जिधर भी हमारे मुसलमान भाई है, जिधर भी परदेश है, पाकिस्तान में है, जहाँ पे भी है, सबको ईद की मुबारकी बोलते हैं। अल्लाह ताला उनको ये ईद खुशी से गुजारे और खुशी नसीब हो, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे। मेरा सबसे पहला पैगाम ये रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भी आपकी मलों में यार दोस्त जो ईद की जो वो नहीं कर सकते गोश्त वगैरह, वो कोई भी बगैर गोश्त से न रह जाए, चाहे भी जिधर भी जिसको मालूमात हो जाए, एक दूसरे को बताए कि पुराने घर में कुर्बानी नहीं हुई, उन तरह कोई भी ईद के गोश्त से बगैर न रहे, सबको ईद का गोश्त पहुँचे। और दूसरा मेरा आम जवान बच्चों को ये रिक्वेस्ट है, अपना पति जो बेटों को जितने भी हमारी जवान लड़के हैं जो सैल तफरी के लिए कलकार और सुन सके सर जा रहे, उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आपने सादगी से ईद मनाना है, ठीक ही इंजॉय करो, लेकिन आप मोटरसाइकिल न दौड़ाओ, तेज़ न जाओ, एक एक मोटरसाइकिल पे दो दो जाओ, मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट का ज़्यादा ख्याल करो। हर ईद हमारे शहर में कोई ऐसी ईद नहीं गुजरा है जिसमें एक्सीडेंट ना हो, तो ये मेहरबानी करे कि इस दफ़ा मोटरसाइकिल आराम से चलाए और खुशी करे, ईद का खुशी मनाए, यार दोस्तों से साथ फिरो, लेकिन एहतियात ज़रूरी है क्योंकि आपकी वजह से आपके ख़ानदान की वजह को परेशानी ना आए, आपको दोस्तों की परेशानी ना आए। ये है मेरा दूसरा पैगाम। तीसरा पैगाम हमारा ये है कि जहाँ भी जिसने ईद का कोई सही बंदोबस्त नहीं किया उनके साथ मदद करे, गवांडों को और पूरी दुनिया को ईद मुबारक। और ये ईद जो है ना ज़्यादा जो है ना सादगी से मनाए, क्योंकि यहाँ पे हर पास से बहुत नुकसानात हुए, अफगानिस्तान में जलजला आया, आस पास से अल्लाह से माफ़ी मांगे और दुआएं मांगे, अंदर महदूद तक ईद करे और गरीबों की मदद करे। बहुत मेहरबानी 94 वालों को शुक्रिया कि हमारी खुशाब की आवाज़ें और हमारी अच्छी अच्छी खबरें एक दूसरे तक पहुँचाता है। और 94 वाले जिंदाबाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा उमर खान गर्देजी ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया तमाम लोगों को, जो चाहे पाकिस्तान में रहते हैं चाहे वो दुनिया के किसी मुमालिक में रहते हैं। तो मेरी तरफ़ से और अवाम एफएम 94 की पूरी टीम की तरफ से और अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा उमर खान गर्देजी की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक। तो जी इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे किसी और वीडियो में। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।